मेरा राम किसी की मस्जिद तोड़ के ऐसे मंदिर में नहीं बस सकता। मंदिर वहीं बनाएंगे। हम कहते जी कब बनाओगे, कहते डेट नहीं बताएंगे। अगर जवाहरलाल नेहरू जी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जगह मंदिर बना देते तो क्या इस देश का विकास हो सकता था? राम मंदिर बनकर तैयार है। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन भी कल से ही शुरू हो चुके हैं, लेकिन सियासत है जो थमने का नाम ही नहीं ले रही, वही सियासत जो राम मंदिर के नाम पर की जा रही है। पहले तो राम मंदिर के आयोजन को इंडी गठबंधन ने आरएसएस का आयोजन कहा, भारतीय जनता पार्टी का आयोजन कहा, इसके निमंत्रण ठुकरा दिए और अब नौटंकी शुरू हो गई है अपने वोटर्स को लुभाने के लिए। कहीं ना कहीं एक बात सभी विपक्षी दल अब समझ चुके हैं, चाहे कांग्रेस इस बात को स्वीकार करे या ना करे, लेकिन समझ तो कांग्रेस भी गई है कि भाई इस देश में अब वो गंगा बहने लगी है, वो धारा बहने लगी है जहां लोग खुलकर कह रहे हैं जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। और शायद यही वजह है कि हमेशा की तरह अपनी बातों पर इस बार अरविंद केजरीवाल अड़े नहीं हैं, बल्कि उन्होंने जोरदार यूटर्न मारा है। अब आप कहेंगे यूटर्न कैसे? यूटर्न ऐसे कि सनातन विरोधी बातें करने वाले अरविंद केजरीवाल, जो भगवान श्री कृष्ण के हाथ में, जो भगवान विष्णु के हाथ में सुदर्शन चक्र के स्थान पर झाड़ू पकड़ाते थे, पृथ्वी के ऊपर गड़बड़ होती है फिर भगवान को अपनी झाड़ू चलानी पड़ती है, फिर भगवान अपनी झाड़ू चलाते हैं, जो स्वास्तिक के पीछे झाड़ू लेकर आदमी को दुड़वाते थे, ऐसे अरविंद केजरीवाल जिन्हें लगता था कि अयोध्या में राम मंदिर की आवश्यकता नहीं है, वो अरविंद केजरीवाल अब अपने बीवी बच्चों के साथ राम मंदिर जाना चाहते हैं और बेचारे रो रो के कह रहे हैं कि उन्हें निमंत्रण नहीं दिया। हालांकि हम आपको बता दें कि वीएचपी का कहना, यानी कि विश्व हिंदू परिषद का कहना है कि उन्हें आमंत्रित किया गया है, हालांकि उन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया था। पर अब अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि उन्हें इस आयोजन का निमंत्रण नहीं दिया गया, वो अयोध्या जाना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वो अयोध्या जाएंगे ही, हालांकि अब क्योंकि उन्हें निमंत्रण नहीं मिला है उनके अनुसार, इसलिए वो 22 जनवरी के बाद इस आयोजन में शरीक होंगे। अब सवाल ये उठता है कि ये अरविंद केजरीवाल, ये वही अरविंद केजरीवाल है जिनकी पार्टी के नेताओं ने सनातन का, भगवान राम का कई बार अपमान किया है, और इतना ही नहीं कि भगवान श्री राम का सिर्फ अपमान नहीं किया, मंदिर विरोधी बातें भी की है। जैसे हम आपको याद दिला दें, सबसे पहले एक बार अरविंद केजरीवाल ने बाबरी ढांचे के गिराए जाने को गलत कहा था। उन्होंने कहा था कि किसी को भी इस बात की खुशी नहीं होगी कि राम मंदिर बन रहा है, क्योंकि वहां पहले बाबरी ढांचा हुआ करता था। जब बाबरी मस्जिद का ध्वंस हुआ तो मैंने नानी से पूछा, नानी अब तो आप बड़े खुश होंगे, अब तो आपके भगवान राम का मंदिर बनेगा। कहती है, ना बेटा, मेरा राम किसी की मस्जिद तोड़ के ऐसे मंदिर में नहीं बस सकता। इसके बाद उन्होंने एक सवाल भरे मंच से पूछा था कि नेहरू जी स्टील अथॉरिटी की जगह अगर मंदिर बना देते तो क्या इस देश का विकास होता, इस देश को मंदिर की जरूरत नहीं है, ये अरविंद केजरीवाल ने कहा था। अगर जवाहरलाल नेहरू जी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जगह मंदिर बना देते तो क्या इस देश का विकास हो सकता था। इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने एक मंच से उन्होंने अपने सोशल मीडिया एक्स से एक ट्वीट किया था। ट्वीट इसलिए कह रही हूं क्योंकि जब ये किया गया था तो जो एक्स है वो ट्विटर हुआ करता था, और ट्विटर पर उन्होंने ये ट्वीट करते हुए लिखा था कि भाई मुझे ये किसी ने शेयर किया है, और उस तस्वीर में, वो जो तस्वीर उन्होंने शेयर की थी, उस तस्वीर में एक स्वास्तिक के पीछे एक बंदा दौड़ रहा था झाड़ू लेकर, यानी स्वास्तिक का, हिंदू धर्म का, सनातन का अपमान किया। स्वास्तिक हिंदू धर्म में बहुत मायने रखता है, किसी भी अच्छे कार्य की शुरुआत के लिए, किसी भी पूजा पाठ के लिए सबसे पहले घर में स्वास्तिक ही बनाया जाता है। ऐसी स्थिति में ये एक चीज जो है वो अरविंद केजरीवाल ने शेयर की थी। उसके बाद उन्हीं के जो पार्टी के बड़े नेता हैं, वरिष्ठ नेता, अगर हम बात करें संजय सिंह की, मनीष सिसोदिया की, तो ये भी सनातन विरोधी बातें कर चुके हैं। जैसे मनीष सिसोदिया ने कहा था कि अयोध्या में मंदिर नहीं बल्कि मंदिर की जगह यूनिवर्सिटी बननी चाहिए, और इसके बारे में लोगों को बात करनी चाहिए राम जन्मभूमि ट्रस्ट से। इतना ही नहीं, संजय सिंह ने कहा था, मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। ये सियासी बयानबाजियां हैं जो
आम आदमी पार्टी बार बार करती रही है, और ये सिर्फ सियासी बयानबाजियां नहीं है, दरअसल ये चोट है सनातन पर। सनातन को हमेशा इस तरह से आम आदमी पार्टी ने नीचा दिखाने की कोशिश की है और चोट करके ये जताने की कोशिश की है कि देश सनातन से नहीं चलता है, देश विज्ञान से चलता है, विद्यालय से चलता है, और जो देश चलता है उसको अस्पतालों की जरूरत है, फैक्ट्रीज की जरूरत है, मंदिर की नहीं। लेकिन अब वही आम आदमी पार्टी के नेता बदल गए हैं क्योंकि हवा बदल गई है। इतना ही नहीं, अरविंद केजरीवाल को शायद अकल भी आ गई है कि राम मंदिर से जो दूरियां बनाई है, और इंडी गठबंधन के नेता जिस तरह की बयानबाजियां कर रहे हैं कहीं ना कहीं उनकी पार्टी के लिए घातक सिद्ध हो सकती है। यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल ने एक सोशल मीडिया एक्सपर्ट ट्वीट किया। उस ट्वीट में उन्होंने लिखा, मेरा राम जी से कह देना जय जय सियाराम। ये जो एक ट्वीट आ रहा है और ये जो एक नया अवतार है अरविंद केजरीवाल का, ये सवाल खड़े कर रहा है, वो सवाल जो हम आपसे ही नहीं बल्कि आप भी बताइए कि अरविंद केजरीवाल को आखिर क्यों बदलना पड़ा। कहीं ना कहीं सनातन या सनातनी वोटर्स की ताकत है, या आज जो देश में माहौल हो गया है, राममय माहौल हो गया है, जिसमें हिंदू मुस्लिम भी एक दूसरे के साथ हाथ पकड़ कर काम कर रहे हैं, शायद इसे देखकर अरविंद केजरीवाल जैसे नेता अब डर गए हैं, क्योंकि वो अपनी कुर्सी, अपनी सत्ता खोना नहीं चाहते। जल्द ही दिल्ली में भी चुनाव होने को है, उनके ऊपर ईडी की तलवारें लटक रही है, ऐसे में 2500 हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड का पाठ कराने का उन्होंने जो एक घोषणा की है दिल्ली में, तो ये भी एक बड़ा और बदला हुआ रूप है उस पार्टी का जो बार बार लगातार सनातन पर सवाल उठाती रही है। वो पार्टी जो ये कहती रही है कि इस देश को स्कूल की, यूनिवर्सिटी की और उद्योगों की जरूरत है, उसे मंदिर की जरूरत नहीं है। वही पार्टी आज जब राम मंदिर बनकर तैयार हो गया है तो वो सोच रही है ऐसा ना हो कि जनता इसका पूरा क्रेडिट भारतीय जनता पार्टी को दे दे और उनके वोटर्स भी उनसे नाराज हो जाएं। शायद यही वजह है कि अब अरविंद केजरीवाल ने यू टर्न ले लिया है, और वो भी अब हनुमान भक्ति कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि राम भक्ति तो कर नहीं पाएंगे। पहले ही उनके रूप जो हैं वो बदनाम हो चुका है क्योंकि वो इंडी गठबंधन के सहायक हैं, और इंडी गठबंधन के नेता तो तमाम तरह की बयानबाजी कर चुके हैं, उल जुलूल बक चुके हैं भगवान श्री राम के बारे में, अयोध्या के बारे में और इस मंदिर परिसर को लेकर। लेकिन अब एक और बड़ी बात जो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि उन्हें निमंत्रण नहीं मिला है, लेकिन वो जाना चाहते हैं। भले ही जो विश्व हिंदू परिषद है वो ये कह रही है कि उन्हें निमंत्रण दिया गया है, और वो खुद इस बात से इनकार कर रहे हैं कि उन्हें निमंत्रण नहीं दिया गया है, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल का कहना है कि वो जाएंगे ही अपने बीवी बच्चों के साथ, वो जरूर अयोध्या जाएंगे, हालांकि वो 22 तारीख को नहीं पहुंच सकेंगे, अब उसके बाद ही जाएंगे क्योंकि उन्हें बुलाया नहीं गया है। ये पूरा जो सिनेरियो मैं आपके सामने रखी हूं, अभी तक मैंने जो भी बातें आपको बताई है, इसमें एक बात तो साफ हो जाती है कि ये वो दल है आम आदमी पार्टी ने, जिस मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी चली, शिक्षा, स्वास्थ्य और विज्ञान, विकास, इनके हिसाब से अयोध्या, इनके हिसाब से राम मंदिर, इनके हिसाब से सनातनी उतना महत्व नहीं रखता था। आज अचानक, मेरा आपसे यह सवाल है, आज अचानक ऐसा क्या हुआ अरविंद केजरीवाल को कि अब मंगलवार को या शनिवार को जो दिल्ली है, दिल्ली में 2500 सुंदरकांड हुआ करेंगे? आखिर ऐसा क्या हो गया है आम आदमी पार्टी के नेताओं को, आखिर अब इनके सुर क्यों बदल गए हैं? जेल की हवा खाने के बाद या तो इन्हें समझ आ रहा है कि भगवान की शरण में ही इनका जो है आगे जाके इनकी स्थितियां साफ हो सकती है, या फिर अब अपने वोट बचाने के लिए या अपने वोट बढ़ाने के लिए अरविंद केजरीवाल इस तरह की नीतियों को, इस तरह की रणनीतियों को अपना रहे हैं। इस मामले में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। VK News, राष्ट्र के नाम।